हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? सब अच्छी हो ना? सब अपना ख्याल रखना। आज बच्चों मैं आपको कुछ कलर पेपर से लिफाफे बनाना सिखाने वाली हूँ। ये वो लिफाफे हैं बच्चों, जब हमें कभी शादी में जाना होता है या किसी बर्थडे में जाना होता है, कभी कभी हम कोई गिफ्ट नहीं ला पा रहे होते हैं, तो कुछ उसमें पैसे रख करके हम दे देते हैं। पैसे रखने के लिए फिर हमें कोई छोटा सा लिफाफा भी चाहिए होता है, तो हमारे घर में नहीं भी होगा तो हम उसको जल्दी से बना पाएंगे। तो देखिए, जैसे मेरे पास ये एक रंगीन पेपर रखा हुआ है। अब रंगीन पेपर में हमने क्या करना है, ये देखिए आपको कुछ इसमें निशान लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये बीच में देखो, ये देखिए, हम स्केल से पहले इस तरह से ऐसा है, इसमें जितना बड़ा हमें लिफाफा बनाना है उतना बड़ा हम पेपर ले सकते हैं। तो जैसे देखिए, इसमें ये मैंने करीबन इसमें 10 सेंटीमीटर है बच्चों, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है ये 10 सेंटीमीटर की है। फिर इधर से ये थोड़ी ज़्यादा है, 11 है, और फिर ये 10 है, और फिर ये 11 है। ठीक है, ये अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कोने हैं, अब ये दूरी भी देख लीजिए यहां से आप, ये हमारी है 7। फिर 7-7 सेंटीमीटर पे हम इस तरह यहां पर एक बिंदु चारों तरफ लगाएंगे इस तरह से यहां पर। ठीक है, यहाँ से लेके कितना हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर, और ये एक तरफ हमारा 10 था और एक तरफ था 11 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अब उसके बाद हम इसको कुछ इस आपको दिखाती हूँ, ये रेखा द्वारा मिला लेते हैं पहले, ताकि आपको गोलाई करने में फिर आसानी नजर आए। देखिए, इस तरह से आपने इसमें रेखाओं द्वारा मिला लिया। अब आप इसमें जो आपके पास कोई सीढ़ी रखी हो सकती है, उससे भी आप इस तरह से इसकी गोलाई कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह रखेंगे इसको आप, और इस तरह से रख करके कुछ पत्ती की शेप बनाते हुए हम इसको ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। चारों साइड जो हम इसी इक्वल्स में बना देते हैं, बनाने के बाद हम इसको इस तरह से कट कर देंगे। हमारे पास कुछ इस तरह का ये कट पेपर तैयार हो जाएगा। फिर हम ये जो हमने किनारे बनाई है, इसको स्केल रख के कुछ इस तरह से दबा देंगे चारों तरफ से। ठीक है, अब हम देखिए, ये जो है इसको हम कुछ इस तरह से मोड़ते हैं, और फिर फेविकोल से इसको हम चिपका देंगे बच्चों। इस किनारी में यहाँ पे फेविकोल लगा करके इसको हम चिपका देते हैं। ये देखिए,
हम ऐसे रखा हमने इसको और इसको इस तरह से चिपका दिया। देख रहे हैं आप, तो कुछ इस तरह से मेरे पास से लिफाफा तैयार हो जाता है। अब हम इसमें यहाँ पर जो भी कुछ पैसे देने होते हैं अंदर रखेंगे और इसको हम इसके रूप में यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। हो गया ना लिफाफा तैयार। पीछे आप अपना एक नेम पट्टी बना लीजिए इसमें व्हाइट कलर की और इसको यहाँ पे लगा दीजिए और इसके ऊपर अपना नाम लिखिए और आप इसमें शगुन रख के दे दीजिए। इसी तरह से बच्चों ये देखो मैंने कुछ और लिफाफे भी बनाए हुए हैं, उनको भी देखिए डिजाइन अलग अलग बन सकता है। ये देखिए एक हमारे पास ये वाला लिफाफा है, इसको बनाने के लिए क्या करना है, ये कुछ इस तरह का है। इसको बनाने के लिए आपको देखो एक ये भी हमारे पास एक कार्ड रखा हुआ है और कार्ड में ही हमने इसको इस तरह से बनाया है। इसमें भी आप देखिए पहले ये एक स्क्वायर बना लेंगे, स्क्वायर बनाने के बाद ये कुछ सीधी की सहायता लेकर के थोड़ा सा हम इसमें इस तरह से गोलाई कर सकते हैं। इसमें मैंने देखो लिखा है इधर ये 9 है, 9 सेंटीमीटर है और इस पूरा इसको आप बना करके फिर इसको भी आप कट कर लीजिएगा। जब आप इसको साइड से कट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये इस तरह का आकार तैयार हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको कुछ डेकोरेशन करने के लिए, कुछ सजाने के लिए मैंने देखो इसमें छोटी छोटी चिड़िया बनाई हुई है। ये भी हमने जो पेपर कलर पेपर है उसी से बनाई है और उनको हमने ये 4 चिड़िया बनाई है देखो मैंने अलग अलग रंगों की। अब हम इसको कैसे बंद करने वाले हैं, देखिए जिस तरह भी चिड़िया लगी हुई है इसको ऊपर रहने देंगे और इस वाले हिस्से को हम अंदर दबा देंगे। फिर ऐसे ही हो गया ना, एक लिफाफा आपके पास ये वाला तैयार हो जाता है। इसी तरह का मैंने एक देखिए दूसरा लिफाफा तैयार किया हुआ है। ये भी उसी कटिंग में किया हुआ है, डिजाइन तो आप किसी भी तरह से ये देखो सब मेरे जो शादी के कार्ड है उन्हीं से बने हुए बच्चों। ये देखिए देखिए आप इसमें आप फूल पत्तियां कुछ भी बना सकते हैं। अब इसे भी हम जैसे उसको बंद किया था वैसे ही देखिए, पहले हमने इसको ऐसे किया फिर ये वाला हिस्सा ऊपर रहा, इधर हमने नीचे पेन वाले हिस्से को इस तरह से रख दिया। अब लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, इसको इधर से ऐसे लेंगे और नीचे इस तरह से ले जा करके हम ये बंद कर देते हैं। तो देखिए एक मेरे पास ये वाला लिफाफा तैयार हो जाता है। इसमें भी हम अंदर कुछ शगुन के पैसे रख सकते हैं और इसको इस तरह से बंद करके दे सकते हैं। अगर आपके पास अगर आप ये वाला डिजाइन नहीं बना पाओगे तो आप सिंपल भी रख सकते हो उसको। ये देखिए इसमें कुछ नहीं लगाया है, ये सिंपल वाला है। अगर आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं और आपसे चिड़िया नहीं बनानी आते हैं तो आप कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए ये मैंने देखिए कुछ आप पेपर का हार्ट शेप में बना लेंगे और इसको फेविकोल लगा दीजिए और फेविकोल से ये देखिए
ये लिफाफे बेटा अभी काम आने वाले हैं। आपको पता है रक्षाबंधन आने वाली है और आपके घर में बुआ मौसी कोई ना कोई भैया पापा सबको राखी बांधने के लिए कोई ना कोई आता है, फिर हमें उपहार रूप उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो आप अपनी अपनी बुआ हैं या दीदी हैं कोई भी हैं उनको आप इस तरह से इसमें पैसे रख के दीजिएगा, शगुन रख के दीजिएगा, आपकी बुआ दीदी बहुत खुश हो रहेंगी। ठीक है, तो आपको इस बार रक्षाबंधन पे बाजार से लिफाफे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो अपने आप बहुत सारे अच्छे से अच्छे सुंदर सुंदर लिफाफे बना करके शगुन देने वाले हैं। एक आपके पास ये वाला भी लिफाफा है, ऐसे देखिए कितने बना सकते हैं आप। एक ये देखिए जो मैंने इस शेप में बनाया था, इसको मैंने ये भी बनाया हुआ देखिए, इसको हम यहाँ पर इसको भी हम चिपका देंगे। फिलहाल भी मैं इसको हल्का सा स्टेप कर दे रही हूँ। देखिए अब इसमें हम पैसे रख करके इसको भी दे सकते हैं।